तुमने बोला था ना डिंग 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 नहीं यार तेरे को डी डी नहीं कुछ कुछ होता है यार नहीं भैया से क्यों पूछ रहे हो यार लिसन मैं बताती हूँ जिसमें ऋतिक रोशन था करीना कपूर थी देखो भाई गुलू गुलू में लोग सब करते इतना खाने के बाद कॉफी डजंट मैटर खाने के बाद मांगा और खाएंगे और खाएंगे और खाने के बाद और ज्यादा खाएंगे फिर जो जो दिखेगा सब खाएंगे मांगा तुमको नहीं समझ आ रहा है अभी तुम लोग अभी रूखे सूखे जिंदगी में हो अरुणिमा अरुणिमा ने लिखा ना तुम भी रूखी सूखी जिंदगी में अरुणिमा नहीं समझोगे तुम थिंक मेरे फॉर सिंह गजेंद्र आज की स्ट्रीम कपिल शर्मा शो जैसी लग रही है भाई छोड़ो यार सिंह गजेंद्र भाई शुभेंदु वेलकम टू डेजर्ट इगल मेंबरशिप चलो क्या तो बोलेगा इस चल रहा है गुलू गुलू देख रहे हैं और क्या देखते हैं शाहरुख खान था और काजोल कभी खुशी कभी गम स्टार्ट करो यस डूबी डूबी डूब डूब ये कैसे होता है आई डोंट नो बट अभी केक की कॉफी मंगाई थी उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा और मैं जो मंगाता हूँ ना ये मेरा सारा खाना सा पीना सब कुछ ले जाती है क्योंकि मैं टेस्टी चीज मंगाता हूँ हाँ जी क्या हुआ आगे मजे अगला जो मंगाओ ना सेम डिटो कॉफी प्लस टू दिया करो दाल मखनी खाई थी मंगवाई बहुत बेसिक थी यार वो तेरी चाय ज्यादा किसी ने तुम्हारी कॉफी नहीं पी साल तुमने देखा बचपन में शकला का बूम बूम जो पेंसिल आती थी अगर किसी ने नहीं देखा ना तो झूठ सबने देखा होगा यार सब लोग अभी निकल रहे हैं बाहर खाना वगैरह हो चुका है हाउ वाज द फूड दाल मखनी ऑनेस्टली बहुत अच्छी थी बाकी हम दोनों के दोनों भी ऐसे हो रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं शर्माओ यार शर्माओ चलो अपनी 1101 तो आ चुके ऑल्सो गाइस हमारी 1101 आ चुकी है लास्ट व्लॉग में मैंने बताया ही नहीं क्योंकि इसका ना चार्जिंग वाला इशू था जो अब सॉर्ट हो चुका है सो वो जो चार्जिंग वाला इशू था वो ठीक हो चुका है बाय द वे आज ना सुबह मैंने एक स्नैप लिया था जो 303 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था रेंज 100% पे नाउ करेंटली शोइंग 73% पे 175 किलोमीटर व्हिच इज ग्रेट रेंज समझ आया क्या बोला मैंने जस्ट वुमन थिंग्स मूवी ऐसी है ब्लॉग में ये बोलते हुए हाँ क्या बोल रहा है हाँ गाइस वेलकम बैक टू रिदम चैनल हम लोग बुफे एक घंटे में करके आए हैं ये दुख का ही कम नहीं होता है रेनी बे रात के 9 बज रहे हैं भैया क्या चल रहा है आज मेरी आंखों के रेटिना के अंदर घुस के ऐसे कर रही है ये अभी देखो ये शॉट लेने के लिए कितने पहले से कैमरा रखा रखा है और फिर चल के आ रहे हैं अब देखो कोई कोई शूट तो चल नहीं रहा ना गाइस है ना मतलब समझ रहे हो डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं कैमरा सेट आप आ रहे हो उसने खुद से रखा है और फिर खुद से चल के आ रहे हैं भाई मैंने तो किया है भाई भाई फेक करना पड़ता है जबरदस्ती चलती हुई जा रही है उसको पता ही कैमरा पर कैमरे में नहीं देखना है इस चीज में डीसी बहुत माहिर है गाइस वो खुद से सेल्फी लेगी और खुद से कहीं और देखेगी और सेल्फी लेगी कैंडिड बहुत 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 टैलेंटेड है गाइस वो हम आए हैं मिनीसो शॉपिंग करने अभी मुझे जस्ट आप लोगों ने देखा नहीं बिकॉज़ अभी भी क्या हुआ कि हम लोग यहां से निकल रहे थे ना तो केतन कहता था आईफोन 14 चाहिए एंड बिकॉज़ मैंने लास्ट ईयर बर्थडे पे अपना ही परचेज करा बर्थडे नहीं जनवरी में परचेज करा था आईफोन 13 आई स्वेयर आई हैव नो इंटरेस्ट व्हाटसोएवर इन आईफोन 14 15 एक बात बताऊं अगर आप आईफोन ले रहे हो ना तो 3 साल तक 4 साल तक अपग्रेड करने का कोई तुक नहीं है क्योंकि ना इतना ज्यादा अपग्रेड होता नहीं है फोन में अगले साल में कुछ छोटा सा माइनर चेंज दे देंगे 4 साल बाद करोगे तो शायद यू विल फील लाइक और इसने कुछ शॉप करे अंडर आई वाले जो होते हैं ना पैचेस होते हैं वो लिए हैं बाकी अंदर ब्लॉक कर रही थी ब्लॉक करने ही नहीं थे भैया ने भगा दिया इसको Let's go home. आज के थोड़ी बटरफ्लाई जैसी नहीं लग रही है सो हम लोग अभी घर जा रहे हैं गाइस तो ना अभी मजे कर रहे हैं हम लोगों ने आज बहुत सारे बट व्लॉग छोड़ो छोटा सा बनाए बट अभी कल या परसों जब भी व्लॉग आएगा नेक्स्ट वाला तब पर हाँ दिवाली वाले दिन पता मेरे को पुलिस वाले ने रोका था मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं कि क्या करते हो कितना कमाते हैं 20,000 रुपए कमाता हूँ सर उस टाइम पे एडसेंस भी नहीं आया था मेरा तो फिर पूछ रहे पापा क्या करते हैं मैं कहा पापा का तो क्या ही है मतलब बैंगलोर रहते हैं मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पे कि गाड़ी तो महंगी ले रखी है कहाँ से आई मैंने बोला सर लोन पे ले रखी है पैसे वैसे इतने होते नहीं है तो फिर वो अपने आप ही गाड़ी के अंदर चुपचाप 20,000 रुपए बैठे और चले गए उनको लगा कि मैं कुछ पी रखा हूँ या कुछ आई वाज ड्रिंकिंग या कुछ ऐसा कुछ नहीं था मैं सिर्फ ड्राइव करते हुए अपने घर आ रहा था द्वारका से दैट्स इट निन्नू आ गया इसको तो घर पे जाके क्रैश हैप्पी न्यू ईयर के थैंक यू यू नेवर कॉल मी कंगन जब ये मुझसे लड़ता भी है ना तो भी ये कहीं बोलता है तो हाय कंगन
ओके गाइस विद दैट सेड मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। अगर पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। अभी बाय नहीं हुआ है, मुझे बात करनी है। और क्या बात करोगे? इज देयर एनीथिंग लेफ्ट हम दोनों के बीच में जो हम बात करेंगे? बाय गाइस, लेफ्ट हम दोनों के बाय नहीं हुआ है, मुझे बात करनी है। और क्या बात करोगे? इज देयर एनीथिंग लेफ्ट हम दोनों के बीच में जो हम बात करेंगे? बाय गाइस, टेक केयर, पीस आउट, बाय। मैं गलत सुनता हूँ गाइस, मैं बहुत गलत सुनता हूँ।